वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे। और ये हमारे गोपाल जी देखिए कितने छोटे से हैं, बहुत बहुत ही प्यारे से हैं, छोटे से हैं। और इनकी ड्रेस बनानी बहुत मुश्किल होती है फ्रेंड्स, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इन्हीं की ड्रेस बनानी सिखाए। तो ये देखिए हमने इनके साथ की मैचिंग कैप भी बनाई है। ये देखिए छोटी सी कैप बनाई है और ये ड्रेस देखिए, इसको पहनाना भी आसान है और बनाना भी आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसमें ये जो डोरी बनाई हुई है पीछे से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये डोरी हमने बनाई है और बहुत आसानी से फ्रेंड्स आप लोग इसको बना लेंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको सिखाया है। और ये देखिए गोपाल जी की चोली हमने इसे गले में से ऐसे पहनाया है, ये देखिए। और मैं इसको उतार कर भी दिखाती हूँ। इसको पहनाना और इसको उतारना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए बनाना भी बहुत आसान है, ये बहुत प्यारी है। तो ये देखिए हमने इस चोली को इस टाइप से बनाया है, ये देखिए। और मैं अब इसको पहना कर दिखाती हूँ आपको दोबारा से। ये देखिए साइड से ये आप ऐसे गले में डालिए। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारे गोपाल जी हैं ये बहुत छोटे हैं। ये देखिए मैं इनकी हाइट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1.5 इंच के आसपास के हमारे गोपाल जी हैं। ये देखिए जो 1.5 इंच से थोड़े से ही ऊपर है। तो ये देखिए ये जो हमारी चोली है इसमें मैंने ये घेरा अटैच कर रखा है। तो ये देखिए आप ऐसे गले में से डालिए, ऐसे करके ऐसे हम गले में से डालेंगे। और ये जो घेरा हमने बनाया इसको दोनों हाथों के पीछे से ऐसे निकालेंगे, नीचे से ऐसे ऐसे हम निकालेंगे फ्रेंड्स। और ये गले को हम ऐसे यहाँ से नीचे ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए चोली की फिटिंग कितनी अच्छी आएगी इनकी, बहुत ही प्यारी। और पीछे से हम इनको ऐसे यहाँ से ये जो डोरी बनाई हुई है हमने दोनों साइड से, इस डोरी को भी हम ऐसे पकड़ कर और इसको यहाँ से नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए जब हम इसको नॉट लगा देंगे तो इनकी फिटिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी इस ड्रेस की। और देखने में भी ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स से दिखाती हूँ मैं आपको गोपाल जी की ये छोटी सी प्यारी सी ड्रेस, छोटे से गोपाल जी की। और ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो ये हमारे एक नंबर के कान्हा जी हैं, तो आप 1 से लेकर 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक और 2 इंच तक भी आप सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स यही ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो, राधे राधे। और ये देखिए जब कैप हमारे गोपाल जी पहन लेते हैं तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए बहुत सुंदर ड्रेस है फ्रेंड्स। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप आसानी से इस ड्रेस को बनाना सीख जाएं। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वूल है, ये देखिए। और ये हमारा क्रोशिया है 1.75 mm का फ्रेंड्स, आप 12 नंबर का क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे ऐसे, और नॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने 10 चेन स्टिच कंप्लीट कर ली है। 10 के बाद हम यहीं पर ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 चेन स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। और इसके बाद ऊपर से हम यहाँ से लूप लेंगे और ये जो हमारी 10वीं चेन स्टिच है उसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर एक चेन स्टिच बनाएंगे और ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जो चेन स्टिच है उसके अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्टिच बनाएंगे और ये जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन स्टिच है उसके अंदर हम ऐसे ही यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम एवरी चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम अपना पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स
हमने अपना ये वर्क कंप्लीट किया और हमने 10 चेन के अंदर 20 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट की हैं। ये देखिए हम काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। और यहीं पर अब हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट करके फ्रेंड्स यहीं पर हम एक चेन स्टिच बनाकर इसको कट लगा देंगे यहाँ पर। और अब हम यहीं से इधर से हमने स्टार्ट किया है, ये देखिए यहीं पर फ्रेंड्स अब हम इसे, ये देखिए यहीं हम स्टार्ट करेंगे, क्रोशिया हुक डालेंगे जो हमारी तीसरी चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक कैसे डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ 3 चेन का, इसके यहाँ पर हम सेंटर में एक सेकंड कलर हमारा यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1, 2, 3 चेन्स का एक डबल क्रोशिया हमारा, ये हमने एक बनाया है। अब हमें वर्क करना है, 2 डबल क्रोशिया इधर रखने हैं और 2 इधर रखने हैं। बीच में जो हमने ये चेन स्टिच बनाई है इसके अंदर हमने 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया के बाद, ये देखिए यहाँ पर इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट हुए। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम पूरा रो अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा वर्क के हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ भी हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर ये एक चेन। अब ये देखिए ये जो हमारे लास्ट में ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके इस वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में भी हमने ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। और अब हम यहीं से अपना वर्क कट करेंगे। फ्रेंड्स अब हमने ये देखिए यहाँ पर हमने वूल कट किया था ये, और अब हम यहीं से, यहाँ से हमने ग्रीन कलर स्टार्ट किया था, उसकी तीसरी चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसकी तीसरी चेन में हमने डाला। और यहाँ पर हम ये जो पिंक कलर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स 1, 2, 3 चेन, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। और 3 चेन के बाद हम यहाँ पर 1, 2 चेन और बनाएंगे। और 2 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं इसका सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। और उसके बाद फिर से 1, 2 चेन स्टिच, उसके बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इधर है, 3 इधर है, सेंटर में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 चेन के बाद ये जो तीसरा हमारा डबल क्रोशिया है ये सेंटर वाला, सॉरी, इसके यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एवरी, ये देखिए 2 चेन बनाएंगे और हम सेंटर में यहाँ एक डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम पूरा रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। और यहाँ पर भी हम एक ने एक डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर हम एक चेन स्टिच बनाकर अपने वर्क को यहाँ कट कर देंगे। और अब हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया था इसकी तीसरी चेन में हम यहीं से क्रोशिया डाल लेंगे। और ये देखिए हमारा जो पिंक कलर है इसको यहाँ पर हम फिर से इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने पिंक कलर यहाँ कनेक्ट कर लिया। ये देखिए अब हम जब वर्क करेंगे फ्रेंड्स तो ये जो पीछे पिंक कलर है हमारा इसको भी हम बीच में ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चेन स्टिच बनाएंगे
और 3 चेन स्टिच बनाने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर हम फिर से क्रोशिया उग डालेंगे ऐसे, और ये पिंक कलर जो हमारा पुराना ये थ्रेड है पहले वाला, इसको भी हम बीच में ले लेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच निकाल कर इसको हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए तो ये हमारा 3 चेन का लूप जैसा बन जाएगा। और यहीं से अब फ्रेंड्स ये देखिए यहीं से हम दोबारा से फिर 1, 2, 3 चेन स्टिच बनाएंगे, और 3 चेन स्टिच बना के अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे। ऐसे हमने ये इसको उल्टा कर लिया बैक साइड से, और अब हम यहीं से ये जो हमारा लूप है इसके अंदर हम यहाँ पर क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया, और उसके बाद दूसरा बनाया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया और ये पांचवा डबल क्रोशिया। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया अपने फ्रेंड। इसको हम ऐसे फ्रेंड्स इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे, और टर्न करने के बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग का था 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, इसके यहाँ से अब ऐसे हम लूप निकालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये दूसरा डबल क्रोशिया, और ये जो हमारा ग्रीन कलर ये जो हमारे वूल है फ्रेंड्स इसको भी हम ऐसे ही बीच में ऐसे ले लेंगे इनको। तो ये देखिए हमारा तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा डबल क्रोशिया, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए फ्रेंड्स इस टाइप से। ये देखिए और अब हम ये जो हमारा यहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच बनाया था इसके यहीं पर ये देखिए यहीं पर हम दोबारा से क्रोशिया उड़ा लेंगे और लूप निकाल कर यहाँ सिंगल क्रोशिया। फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चेन स्टिच, 3 चेन स्टिच के बाद हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके यहाँ पर हम क्रोशिया को कैसे डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए ये स्लिप स्टिच। तो 3 चेन का एक लूप बन गया हमारा। यहीं से हम 1, 2, 3 चेन स्टिच अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे यहाँ से ऐसे टर्न, और टर्न करने के बाद इसके अंदर ये जो लूप बनाया हमने 3 चेन का इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4। एक तो हमारा स्टार्टिंग में 3 चेन का हो गया, तो ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। और 5 डबल क्रोशिया के बाद अपने वर्क को हम फिर से टर्न कर लेंगे फ्रंट में। ये हमारी फ्रंट साइड है राइट साइड में, और इसके बाद ये देखिए जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया है ये वाला इसके यहाँ से हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके। ये देखिए हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको, और यहाँ पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5। ये देखिए हमारे 5 डबल क्रोशिया है, और 5 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर ऐसे अपने वर्क को फिर से फ्रेंड्स टर्न करेंगे। और ये जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी ये देखिए स्लिप स्टिच बनाया था यहीं पर हम क्रोशिया उड़ा लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ऐसे, और फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर 1, 2, 3 चेन स्टिच, और इसके अंदर हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। और फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ ये वर्क किया है इसी तरीके से मैं सारे में वर्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम 1, 2, 3 चेन, और 3 चेन का हम ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके यहाँ ऊपर हम क्रोशिया उड़ा लेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ से 1, 2, 3 चेन का एक डबल क्रोशिया अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद इस लूप के अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3, 4 टोटल हो गए हमारे 5 क्योंकि 3 चेन का एक डबल क्रोशिया। अपने वर्क को हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से लूप लेंगे
और ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए और अब हम इसको यहाँ पर, ये जो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से, ये डबल क्रोशिया के ऊपर, यहीं पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे और यहाँ से लूप निकालते हुए, ये देखिए ऐसे हम लूप निकालेंगे और लूप निकाल कर यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ और यहीं से हम एक चेन बनाकर इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे गोपाल जी का घेरा तैयार हो गया, ये देखिए, ये मैं रख कर दिखाती हूँ आपको, ऐसे ऐसे ये तैयार हो गया। और जितने भी हमारे ये थ्रेड निकले हुए हैं इनको हम पीछे की तरफ यहाँ सेट कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए जैसे ये भाई ग्रीन है तो ग्रीन को इनके अंदर से ऐसे निकालते हुए इस तरीके से इनको हम अंदर कर देंगे। और अब हम गोपाल जी के लिए चोली बनाएंगे। देखिए चोली बनाने के लिए हम यहाँ पर 22 चेन बनाएंगे। ये हमने नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 22 चेन स्टिच कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 22 चेन स्टिच कंप्लीट कर लिए और अब यहीं से हम ऐसे हाथ रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 चेन, और 3 चेन का हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया। और ये जो हमारी 22वीं चेन स्टिच है ये देखिए, इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे और एवरी चेन के अंदर इसी तरीके से 1 1 टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया की पट्टी बना ली, तो टोटल डबल क्रोशिया हुए हमारे 23। और अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया है स्टार्टिंग में, यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे 3री चेन में और हम यहाँ पिंक कलर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने पिंक कलर कनेक्ट किया और यहीं से हम, अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर 1 2 चेन स्टिच बनाएंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स एवरी चेन के अंदर हम 1 1 टाइम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो ये सारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया फ्रेंड्स लास्ट में। और ये जो आपको सिंगल क्रोशिया बनाना फ्रेंड्स, ये थोड़ा लूज़ हाथ से ही बनाएं, थोड़ा ढीला ढीला ही बनाएं, ज़्यादा टाइट ना करें। तो ये देखिए यहाँ पर हम फिर से ये एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये चोली है हमारी गोपाल जी की तैयार हो गई फ्रेंड्स ऐसे, ये देखिए, इसको मैं बाद में आपको बताऊँगी सिलना। तो ये अब हम कैप बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए वाइट, जब मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया तो मैंने वाइट को भी नॉट लगाकर छोड़ दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इनकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाने के बाद ऐसे हम क्रोशिया हुक डालकर इसको यहाँ एक चेन स्टिच बना ली। और एक चेन स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 चेन स्टिच का हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया और इस मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ये 10। तो ये 10 हमारे डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, ये देखिए। और अब हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया हम और बना रहे हैं, ये 11 और ये 12। तो ये हमने 12 डबल क्रोशिया इसमें कंप्लीट किए। 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इस लूप को ऐसे टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी 12वीं चेन स्टिच है, ये 12वां हमारा डबल क्रोशिया, उसी जो 3री चेन स्टिच है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे
और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा वर्क ऐसा, छोटी सी हमारी कैप बनेगी और यहीं से हम एक चेन स्टिच ऐसे बना के वर्क को कंप्लीट करेंगे। और अब हम ग्रीन कलर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ इसको कनेक्ट किया था कट करके, और यहीं पर हम ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो हमारा ग्रीन कलर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक चेन स्टिच बना देंगे। और फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे, तो ये जो हमारा नेक्स्ट वाला जो चेन स्टिच है, सॉरी ये एक चेन स्टिच बनाया, ये दूसरा, तो यहीं स्टार्टिंग में हमारे दो चेन स्टिच हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, फिर से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में डालेंगे और पीछे से ये जो हमारी वूल है इनको भी हम ऐसे ही बीच में लेंगे, तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एवरी चेन के अंदर वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, जो स्टार्टिंग में हमने ये बनाया था, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिचेस इसे कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर हम अपना वर्क कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी की छोटी सी कैप तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स चोली के लिए जो हमने पट्टी बनाई है कुछ ऐसी है, और अब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे ऐसे करके। ये जो हमने वाइट वाला वर्क है, ये वाला वाइट एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे ऐसे। ये देखिए आप क्लोज करके दिखाती हूँ ऐसे करके। और अब हम यहाँ से ये मैंने वूल छोड़ दिया था और मैंने नीडल में डाल लिया, अब इसको हम एक के ऊपर एक ऐसे रखकर यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच लगा देंगे ऐसे करके। छोटी सी ड्रेस है फ्रेंड्स, दो स्टिच हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देखिए तो ये हमारे गोपाल जी की ऐसे चोली तैयार है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये जो हमने ड्रेस बनाई है इसका हम सेंटर लेंगे। ये तो देखिए एक बार आप ऐसे पकड़िए इसको और यहाँ से इसका सेंटर, ये हमारा यहाँ पर सेंटर है। ये देखिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ जितने हमारे ये डबल क्रोशिया हैं आप उनका आधा आधा कर दीजिए, तो 20 थे ये, 10 इधर कर लेंगे 10 इधर, तो बीच में ये सेंटर आ गया हमारे पास। ये देखिए ये हमारा सेंटर है, इधर डबल क्रोशिया हमारे 10 है, इधर भी 10 है, तो बीच में ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब सेंटर में हम यहाँ पर ये देखिए इसको स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे रखेंगे ऐसे करके, और अब हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। एक बार तो हम फ्रंट में ही इसको ऐसे करके इसका भी सेंटर ले लेंगे, इनको बीच में ऐसे रखेंगे बराबर यहाँ पर, और इसको हम ऐसे स्टिच लगा देंगे ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ से भी हम ऐसे इसको स्टिच लगा देंगे ऐसे फ्रेंड्स। फिर से हम यहीं पर इसको दोबारा से ऐसे सेंटर में ले आएंगे, थोड़ा लूज़ यहाँ से रखेंगे, यहीं से ही हम साइड में पहुँच जाएंगे, थोड़ा ढीले हाथ से इसको स्टिच लगाएंगे यहाँ से। और फिर से हम ये जो साइड में है हमारा यहाँ, इधर भी हम ऐसे ही इसको स्टिच कर देंगे ऐसे करके। और यहां से इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी चोली यहाँ पर स्टिच हो गई है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये हमारा सारा, अब हम इसमें डोरी डाल देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 50-60 के आसपास आप चेन स्टिच बना लीजिए, ऐसे डोरी बन जाएगी और अब हम इसे डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो दो डबल क्रोशिया यहीं से हम ऐसे निकाल देंगे और ये जो हमने बनाई है डोरी, इसको हम ऐसे डालेंगे ऐसे। अब इनको दो दो के बीच में से हम ऐसे निकालते जाएंगे और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको पूरे को ऐसे ही डोरी डालेंगे और यहाँ तक निकाल देंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस तैयार हो गई। अब इसको पहनाना भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे छोटे से गोपाल जी हैं, तो ये देखिए ये जो हमने चोली बनाई है इसको ऐसे हम गले में डालेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे हम गले में डालेंगे और गले में डालने के बाद यहीं से सेंटर में से इसको ऐसे और यहाँ से पीछे ऐसे कर देंगे हम दोनों साइड से। और ये जो हमने डोरी बनाई है फ्रेंड्स, इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से। ऐसे करके तो ये देखिए इसको जब हम यहाँ से अच्छे से टाइट कर देंगे तो इसकी फिटिंग भी बहुत ही प्यारी आएगी। ये देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ड्रेस हमारी कितनी प्यारी बनी है, छोटे से गोपाल जी की बहुत प्यारी सी। और इसकी चोली भी बहुत आसान है फ्रेंड्स बनाना। और ये देखिए छोटी सी कैप है, ये हम कान्हा जी को ऐसे पहना देंगे। तो ये देखिए हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका और वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे।